पकड़ो इसको। जेल में करीब यहाँ 67-68 महिलाएं निरुद्ध हैं और उसमें से करीब 18 महिलाएं जो है करवा चौथ का व्रत रह रही हैं। शासकीय तौर पे तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो है हम उसको कुछ कर सकें, तो तब तक आपने हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ संदीप मित्तल जी ने पूर्व में भी सहयोग किया था, उन्होंने संपर्क किया तो हमने अनुरोध किया कि जो है अगर आपकी संस्था की तरफ से महिलाओं के लिए कुछ हो सके करें। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और 18 महिलाओं के लिए आज जो है करवा चौथ के लिए जो है संपूर्ण जो भी लगता है योगदान उन्होंने किया, हम इनके आभारी हैं इस चीज़ के लिए। अभी कुछ दिन पहले पेपर में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि बिना चांद के ही चलने का दीदार, बिना चलने के ही चांद का दीदार करेंगे महिला बंदी। फिर हमने रणी जेलर साहब से बात किया कि यहाँ पे ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो व्रत नहीं व्रत रहते हुए उनके पूजन सामग्री नहीं है, तो आपने बताया 18 महिलाएं ऐसी हैं। व्रत रहने का अधिकार तो जेल में सभी को है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और रहते भी हैं, लेकिन कोई भी व्रत बिना पूजन सामग्री के संभव नहीं होता है। तो हम लोगों ने बात की है अपनी धर्मपत्नी अंशिका मित्तल जी, बैराज में समाज सेविका हैं हेमा निगम जी से, तो इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी कि हम कुछ ऐसा थाली सजा के आपको देंगे और चल के दिया जाएगा। तो वास्तव में आज इन्हीं हमारे घर की महिलाओं ने, हमारे घर के लोगों ने यहाँ पे आ करके जो है महिला बंदियों को पूजन सामग्री दिया, जिसमें हम लोगों ने एक ऐसी थाल सजाई जो प्यार भरी थाल थी, जिसमें वो चलनी भी थी, जिसमें वो जो पूजा करने के लिए ज़रूरतें होती हैं, दिया हो चाहे दीप हो, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उनको दी, जिससे उनको ये महसूस ना हो कि हम जेल में हैं, अगर हम घर पे होते तो बहुत अच्छी पूजा कर पाते। तो हम लोगों ने वो सारा सामान दिया और बड़ी अंदर से खुशी भी है कि उन लोगों ने एक सुर में हम लोगों को धन्यवाद दिया। संगठनों ने आगे आकर के जो बंदी महिलाएं हैं उनके करवा चौथ के लिए पूजन सामग्री और सारी सामग्री उपलब्ध कराई है, छन्नी उपलब्ध कराई है, ताकि वो करवा चौथ का व्रत रख के पूजन कर सके। कादरी मसूद, KTV भारत, बहराइच।